अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, सुबह की नमाज़ पढ़ के मैं फजर के टाइम उठी थी। नमाज़ पढ़ के मैं अभी फारिग हुई हूँ। मौसम बहुत प्यारा हुआ हुआ है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इमरान साहब क्या कर रहे हैं। इमरान अब्दुल्ला के कपड़े प्रेस कर रहे हैं। मुझे ना ज़्यादा कपड़े प्रेस नहीं, मेरे से होते नीचे बैठ के ना किडनी की प्रॉब्लम की वजह से, तो कपड़े जो है ना वो इमरान ही प्रेस करते हैं या नाया प्रेस करती है। तो नाया अभी सो रही थी और काम जो था वो मैंने सारा रात को ही कंप्लीट कर लिया था। सारी सेटिंग कर ली थी, किचन सारा समेट लिया था और इमरान लेकर आए थे लहसुन, तो उसको भी अभी मुझे भिगोना है, फिर उसको छीलना है। आज मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी इसका एक बहुत अच्छा तरीका, जिससे आप 4 महीने तक जो लहसुन है ना आपका, वो पिसा हुआ ख़राब नहीं होगा। आप फ्रिज में रखें उसको और 4 महीने तक उसे इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल भी ग्रीन डी या फंगस वगैरह कुछ भी नहीं आती उसमें। बाज़ लोगों को यही कंप्लेन होती है कि हमारे लहसुन में ना फंगस लग जाती है या ग्रीन कलर का हो जाता है, तो वो बड़ा अजीब लगता है। तो इंशाल्लाह मैं जो आज आपको बताऊंगी वो बिल्कुल सही रहेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। कपड़े वगैरह जो है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि रात को बारिश नहीं हुई और तमाम सूख चुके थे, लेकिन अभी मैं उनको नहीं उठाऊँगी क्योंकि थोड़ा धूप लग जाए कपड़ों को तो नमी जो है वो निकल जाए अच्छे तरीके से। सफाई हुई हुई है, मुझे ज़्यादा सफाई करने की आज ज़रूरत नहीं थी क्योंकि रात को मैंने कपड़े धोए थे, तो मैंने सफाई रात को ही कर ली थी और बच्चे अभी सोए हुए थे तो इतनी टेंशन नहीं थी। तो बस अब छोटे मोटे काम करने हैं, नाश्ता बना के देना है, अब्दुल्ला को स्कूल भेजना है और उसके बाद कपड़े धूप लगा के तो उसको समेट के रखूँगी। लहसुन को मैंने पानी में भिगो दिया था, कुछ लहसुन मैं अभी छीलूँगी और कुछ बाद में छीलूँगी क्योंकि लहसुन मेरा ख्याल है 1 या 1.5 किलो था, मुझे कन्फर्म नहीं था अभी। तो बस मैंने भिगो दिया था पानी में कि जैसे ये थोड़ा सा नरम होगा तो ये छिलने में आसानी से छिल जाएगा। लेकिन फिर साथ साथ मुझे ट्यूशन भी पढ़ानी थी और फिर मैंने 4:00 PM खाना बनाया जो कि बहुत ही लेट हो चुका था। चावल उबाले थे मैंने और साथ मैंने जनाब बनाई थी साबुत मसर की दाल तड़के वाली, बड़ी मज़े की थी। इमरान लेट आए थे आज, तो आज मैंने भी खाना लेट ही बनाया। तो साथ साथ मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। प्याज भी मैंने बनाई थी, उसे सिरके में भी डिप करना था, नमक लगा के छोड़ दिया था उसको, इसको धो के फिर डिप करूँगी सिरके में। तो लहसुन कुछ छीला था, कुछ अभी मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, फिर फ्री होकर इसको छीलूँगी और फिर इसका जो मेथड है ना वो आपसे डिस्कस करूँगी। साथ साथ बच्चों को ट्यूशन में पढ़ा रही थी, अनाया भी मेरे साथ ही थी, वो भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो इमरान को बस खाना उसके बाद हम लोगों ने दिया। मौसम बहुत खुशगवार हुआ हुआ था तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ठंडक जो है ना वो आना शुरू हो गई है, नमी हो गई है, रातें ठंडी हो गई हैं, दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही हैं, अच्छे ठंडे हो गए। तो बस इमरान ने दोपहर को खाना नहीं खाया था तो इसलिए उनको पहले खाना देना था, तो फिर इमरान को मैंने खाना दिया। ये देखें इमरान खाना खा रहे हैं, तो अनाया भी खाना खा रही है। इमरान साहब बड़े खुश हैं, दाल चावल उनके फेवरेट हैं तो बड़े खुश हैं। प्याज भी मैंने धोके साथ ही उनको दे दी थी सिरका डाल के। तो सब ने खाना फिर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अनाया भी बैठी हुई है, अब्दुल शाफे को भी खाना दिया। शाफे साहब ने आज पैंट शर्ट पहनी है तो आज बड़ा शर्मा रहे थे, काफ़ी अरसे के बाद उसने पैंट शर्ट पहनी है। तो जनाब अब डिस्कस करते हैं आपसे, इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ मैं आपसे। ये जो लहसुन है ये 1/2 किलो से ऊपर ही है, तो इसमें मैंने जो थी ना अदरक उसको भी धो लिया था, लहसुन को भी छील के मैंने अच्छे तरीके से धो के छाबी में डाल दिया था, पानी सारा उसका निकल गया अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने इसको सारी रात छाबी में ही पड़ा रहने दिया, जिसकी वजह से इसका जो पानी है वो खुश्क हो गया बिल्कुल। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि लहसुन में पानी ना हो, बिल्कुल भी पानी ना हो, क्योंकि अगर इसमें पानी हुआ तो ये ख़राब हो जाएगा। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें डलनी है और आपका लहसुन 4 महीने तक जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। आपने लहसुन चाहे छोटा वाला लेना है, देसी लहसुन आप वो ले लें, मोटा वाला फार्मी लहसुन होता है वो ले लें। मैंने यहाँ पे छोटा वाला लहसुन लिया है क्योंकि इसमें बादी नहीं होती, वो वाला जो लहसुन फार्मी होता है बादी होता है। अदरक को धो के मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेज में काट लिया था ताकि ग्राइंडर में जल्दी से ही ब्लेंड हो जाए, ज़्यादा मसला ना हो। यहाँ मैंने उसको शिफ्ट कर दिया ब्लेंडर में। तो अब इसमें मैं डालूँगी सबसे पहली चीज़ वो है हमारे पास नमक। नमक के 2 चम्मच मैं इसमें भर के डालूँगी। उससे फ़ायदा ये होता है कि जिस चीज़ में नमक हो ना वो चीज़ जल्दी ख़राब नहीं होती, क्योंकि आपने देखा होगा अचार में जो है नमक तेज़ रखा जाता है ताकि अचार ख़राब ना हो। तो वही मेथड यहाँ पे भी यूज़ करेंगे हम, नमक को डाला ताकि जो है ना हमारा लहसुन भी ख़राब ना हो। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो है हमारे पास ऑयल।
इसमें घी नहीं डालना, आपने ऑयल ही इस्तेमाल करना है। ऑयल आप कोई सा भी डाल सकते हैं, किसी भी कंपनी का डाल सकते हैं। मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है तो जो घर में अवेलेबल था मैंने वही डाला है इसमें। ग्राइंडर को करते हैं ऑन, और चीज़ें ज़्यादा थी, ऑयल थोड़ा सा कम था, जितना था मैंने सारा डाल दिया था, लेकिन फिर भी इसकी क्वांटिटी जो थी वो मेरे पास कम थी, तो इसको थोड़ा सा ब्लेंड करके चम्मच से फिर मैं हिलाऊंगी ताकि अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से करने, कुछ लोग मोटा अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं, मैं बिल्कुल बारीक कर लेती हूँ। इसको चम्मच से हिलाते हैं तो ढक्कन जो था इसका काफ़ी टाइट था, तो मुझे खुलने में ज़रा मसला हो रहा था, काफ़ी अच्छे तरीके से टाइट हो जाता है, उसको प्रेशर से खोलना पड़ता, मुश्किल से खोलना पड़ता है इसको। तो यहाँ पर मैंने इसको हिलाया अच्छे तरीके से ताकि जो पिसा हुआ लहसुन है वो भी दूसरे लहसुन के साथ मिक्स हो जाए, जो नहीं पिसा अभी वो भी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए। अगर आप ज़्यादा ऑयल इसमें डालेंगी तो फिर बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स हो जाएगा। मेरे पास, मैंने जैसे बताया आपको कि मेरे पास ऑयल की क्वांटिटी कम थी, तो जितना था मैंने वो डाल दिया, तो फिर उसको दोबारा मैंने ऑन किया ब्लेंडर को, तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छे तरीके से 2 से 3 सेकंड में ही ये जो है वो आपका तैयार हो जाएगा, और फिर आप इसको किसी भी बोतल में डाल के तो आराम से सेव कर लें। यहाँ देखें अच्छे तरीके से पिस चुका है, तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि कितना स्मूथ पेस्ट इसका तैयार हुआ है, ये देखें। तो जितना बारीक रखना चाहती हैं आप उतना बारीक रखें, मोटा रखना आपको मोटा रखें, मैं बिल्कुल बारीक पेस्ट बना देती हूँ। उससे ना ग्रेवी में जब जाता है तो बड़ा अच्छा टेक्सचर और फील होता है, शोरबे वगैरह वाली चीज़ होती है ना तो वो उसमें गाढ़ापन आ जाता है। तो यहाँ ढक्कन लगा के मैंने इसको साइड पे कर दिया, इसको बाद में जो बॉटल में मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी किसी भी बॉटल में, और डाल के फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में आप उसको 4 महीने तक इस्तेमाल कर सकती हैं, तो ये ख़राब नहीं होगा। बाज़ लोग कहते हैं कि जी हमारा फंगस लग जाती है, ग्रीन कलर का हो जाता है, तो उसमें ये मसला नहीं आएगा। आप बस पानी का ध्यान रखें कि पानी इसमें जो है वो एकत्रा ना जाए, पानी के बगैर पीसेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इसी तरीके से घर में इसको सेव करके रखती हूँ, और माशाल्लाह से जो मेरा लहसुन है वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता।